धार की चुनावी मझधार में कांग्रेस पूरी तरह फंस गई है। टिकट नहीं मिलने से नाराज कांग्रेस नेता कुलदीप सिंह बुंदेला ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। धार में कांग्रेस ने प्रभावाल मुकुंद गौतम को चुनावी मैदान में उतारा है, जिसके बाद कांग्रेस में बगावत तेज हो गई। टिकट की मांग कर रहे कुलदीप सिंह बुंदेला ने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। कि जो कांग्रेस पार्टी ने मुझसे साल भर पहले वचन दिया था, वचन ही कहूँगा क्योंकि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी वचन ही देते हैं, साल भर पहले उस समय जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बालमुकुंद सिंह जी रहते थे, हुआ करते थे, और मैं था, कमलनाथ जी थे और साहू और बाकी साथी थे। हम लोगों को पहले ही से ही कह दिया था कि आपको धार से तैयारी करना और ये बदनावर से करेंगे। उसी प्रकार मुझे तीनों ब्लॉक में ब्लॉक अध्यक्ष बनाए गए थे, दोनों शहर में शहर अध्यक्ष बनाए गए थे और मंडलम सेक्टर मैंने पूरी बूथ लेवल तक तैयारी कर ली थी। अचानक जब लगा हमारे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी को कि धार से तो नीना वर्मा जी का टिकट हो रहा है, तो कुलदीप का कैसे टिकट काटा जाए, तो उन्होंने पूरा दल बल लगा के कि क्योंकि आप सबको मालूम है, जग जाहिर है कि वर्मा जी के और दिग्विजय सिंह जी के क्या संबंध है। मैं उन पर आरोप नहीं लगाना चाहता हूँ क्योंकि पूरी जवानी खपई मैंने कमलनाथ जी के साथ, बचपन जब हुआ करता था, जब उस समय 24 साल का हुआ करता था, उस दिन से मैं कमलनाथ जी के साथ था। उनका फर्ज था, उन्होंने पिछली बार मेरे को निर्दलीय फॉर्म भरा था, उन्होंने मना लिया था कि मुख्यमंत्री मैं बन रहा हूँ, मतलब तुम बन रहे हो। उस प्रकार फ़ोन आया, फिर जीतू पटवारी जी मेरे आए, फिर उन्होंने कहा, कमलनाथ जी से बात करी और मैंने फॉर्म उठाया और ईमानदारी से मैं जीतू पटवारी को जिताने के लिए राऊ विधानसभा में चला गया। बीजेपी ने यहां से नीना वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। ऐसे में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने जीत की संभावना देखते हुए प्रभावाल मुकुंद गौतम को टिकट दिया। बता दें कुलदीप सिंह बुंदेला 2018 से टिकट की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस बार भी सफल नहीं हुए, लिहाजा उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, धार।